Good morning, everyone. Welcome in English Nursery Class. Today we are going to start lesson 4, the enemy written by Pearl and Tom. इस लेसन में क्या है, एक इंसानियत के बारे में क्या है कि इंसान जो है अपनी इंसानियत से कभी पीछे नहीं होता, उसको अपने फर्ज पूरे करने होते हैं। जिस जॉब में, जिस काम में वो आज है, प्रोफेशन आता है, उसको उसके ईमानदारी से करना है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें एक डॉक्टर का दावा है, उसने अपनी ईमानदारी दिखाई पूरी रूप से कि किस तरह से वो डॉक्टर बना है और डॉक्टर के प्रति उसके क्या क्या फर्ज है, क्या क्या उसकी ईमानदारी है। इसमें जापान है, जापनीज है। ये उस समय की कहानी है जब क्या है, सोवियत यूनियन के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड अमेरिका और जापान के साथ हो रही है। उस समय ये जापनीज डॉक्टर है, डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ खाना, दो बच्चे और दो के सर्वेंट हैं। उनमें से वन ऑफ द मेड हु लुक्ड आफ्टर हिज चिल्ड्रन एंड अदर पर्सन इज एन ओल्ड गार्डन, दूसरे घर एक और गार्डन है। तो उसे बंदा होता है, घर है जो वो वहां पे ओशन के समुद्र के किनारे। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर सदा और डॉक्टर उसकी वाइफ खाना अपने बंदे में गैलरी में खड़े होते हैं। तो सडनली देखते हो आदमी क्या देखते हैं, आपको एक मैन फ्रंट आउट वाश करते हैं समुद्र में रहता हुआ एक व्यक्ति आ रहा है जो कि इंजर्ड है, जख्मी है। तो क्या करते हैं बंदे के, उस गैलरी के ऊपर नीचे आते हैं। जब व्यक्ति और समुद्र में तैरता हुआ किनारे पर आता है, उसको देखते हैं कि ये तो कोई जख्मी है। उससे जब उसको हाथ लगाते हैं, पता चलता है वो कौन होता है। उस टाइम वो है अमेरिकन प्रिजनर, अमेरिका का कोई कैदी होता है जो वहां से भूखा जख्मी होता है। तो क्या करते हैं, उसको खाकर खाना एक कप लेते हैं और अपनी वाइफ खाना करते हैं कि उसको अंदर ले चलो, इसका इलाज करना होगा। तो उसकी वाइफ कहती नहीं, इसको अंदर हम नहीं लेंगे क्योंकि कौन है, अमेरिकन एनिमी हमारा, दुश्मन है, हम इसको नहीं लेंगे। अगर जनरल को यहाँ की गवर्नमेंट को पता चल गया तो क्या करेंगे, हमें यहाँ से जापान से बाहर निकाल देंगे, हमारा जीना हराम हो जाएगा। तो वो डॉक्टर कहते हैं जाओ कि नहीं, क्या मैं डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज क्या है, ईमानदारी का एक पेशेंट के प्रति ईमानदारी दिखाने के उसका इलाज चल रहा है। तो उसने मना करने के बावजूद भी डॉक्टर सदा उसका वो अंदर जाते हैं, पर उसके जो नौकर अपने बेबीज को मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना, लेकिन डॉक्टर सदा उसकी ईमानदारी के पीछे नहीं होते, अपने जो इंसानियत है उससे पीछे नहीं होते, वो उसको अंदर ले जाते हैं। तो नौकर जो है उसको उसके अंदर छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं अगर जनरल को पता लगा, गवर्नमेंट को पता लगा तो इनको लौटे इस देश से निकाला जाता है। तो किसी की बात सुने बिना अपनी इंसानियत से खड़े उतरते हुए क्या करते हैं, उसका उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। इलाज करता है कुछ भी वो उसकी घर पर अपने घर पर रखते हैं, नहलाते गर्म पानी से उसकी वाइफ खाना लेकर और डॉक्टर का दम लेकर उसको गर्म पानी से नहलाते हैं, उससे इलाज करते हैं, अपने घर पर रखते हैं। तो क्या होता है, एक दिन अचानक से जनरल का मैसेज आता है, कोई उनका जो सर्वेंट होता है जनरल का, वो उसको आकर बुलाते हैं डॉक्टर सदाओ को कि आपको जनरल का आदमी बुलाया है। फिर डॉक्टर उसके मन में ये चक्कर आता है कि पक्का आपको जनरल को पता चल गया, जनरल को पता चल गया होगा कि हमने क्या है अमेरिकन एनिमी के साथ रखा है। गवर्नमेंट नोट अब क्या होगा, चलो जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर सदाओ कहते हैं वो जाता है जनरल के पास, जनरल को जनरल जाकर पूछता है कि क्या बात है, तो वो उसको सारी बात बताते हैं अच्छी बात है। तो जनरल क्या कहते हैं कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप उसका उपचार करो, उसके पास तो मार दें, वो बात नहीं कर देगी, पुलिस तक बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन वास्तव में जनरल ने उसे डॉक्टर साहब को क्यों बुलाया रखा है, क्योंकि डॉक्टर जनरल का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जनरल का इलाज कर रहे हैं, कोई उपचार करते हैं, वो बीमार हैं, वो उपचार के लिए करते हैं। तो डॉक्टर साहब खुद उसको सारी बात बताते हैं, तो जनरल की उसके जनरल भी उसकी बात को अपने दबा कर रखते हैं, उसको बताते हैं। तो इन दिन डॉक्टर सदाओ को और मौका मिल जाता है कि चलिए जनरल को पता चल गया, मैंने बताया ही था, तो उसका इलाज करा देकर के वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कौन जो मैडम प्रिजनर है, मैं किस से ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि आप तेरे जाने का वक्त आ गया,
रसोड़ा मैं तुझे कुछ नाव से दिखाऊंगा, वहां तेरा कुछ दिन तक खाने का सामान और सार लाइट का खत्म कर दूंगा, पीने का पानी भी दूंगा। अगर तेरे पास कुछ खत्म हो गए तो तुझे क्या है टॉर्च बनाएंगे, तेरे पास सामान हो जाएगा, लेकिन तुझे रात को पानी से नहीं करना। चुपचाप से क्या करते हैं डॉक्टर से लाओ उसको लेकर नाव में दिखाते हैं, उसको इस तरह से डॉक्टर राव ने इंसानी दिखाते हुए अपने डॉक्टर के पेशे में भी संपूर्ण रूप से कारण बनाए। थैंक यू।